असला क्लास हाउ आर यू ऑल ओपन योर पेज नंबर हंड्रेड ऑफ योर साइंस टेक्स्ट बुक टुडे वी वी डिस्कस द द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिट नंबर सन सो क्लास आर गोइंग टू स्टार्ट आर रीडिंग इट इज इम्पोर्टेंट टू नो डायरेक्शंस अंडरलाइन डायरेक्शंस इसका मतलब होता है सिम्थ टू लोकेट अ प्लेस देर आर फोर कार्डल डायरेक्शंस हेल्प अस टू नो वेयर वी आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट चार सिमतें हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ हैं नॉर्थ जिसका मतलब है शुमाल साउथ जिसका मतलब है जनूब ईस्ट जिसका मतलब है मशिक एंड वेस्ट जिसका मतलब है मगरब वी नो डेट द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट हमें पता है कि सूरज मशिक से निकलता है और मगरब में ग्रूब हो जाता है वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट वेयर द नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ द अर्थ लाए नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट टू फाइंड आउट स्टैंड इन योर स्कूल यार्ड फेसिंग द डायरेक्शन इन विच द सन राइजिस एंड द डायरेक्शन इज द ईस्ट स्प्रेड योर आर्म्स वाइड ओपन लाइक दिस To your back in the west like this your face is in east and back in west the north is toward your left on your right is the south north is here and the south is here page number 102 shadows shadows kehte hain psycho when an object is placed in the path underline path is matlab hai rasta ऑफ लाइट इट मेक्स अ डार्क पैच दिस डार्क पैच इज कॉल्ड अ शेडो कोई भी चीज़ जो लाइट के रास्ते में पड़ी होगी उसका साया बन जाएगा इवन यू एंड आई हैव शेडोज द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट इफ़ द ऑब्जेक्ट इज नियर द लाइट सोर्स इट शेडो इज़ बिग अगर कोई भी चीज़ किसी भी लाइट के करीब पड़ी होगी तो उसका साया बिगर यानी कि बड़ा होगा

In the morning and evening, our shadows are longer. We can use this to estimate the time of the day. जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होगा तो हमारा साया हमेशा पाँव के नीचे होगा जबकि सुबह और शाम के वक्त हमारे साय लंबे हो जाएंगे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है नून का मतलब होता है दोपहर तो साया हमारे पाँव के नीचे है जबकि मॉर्निंग यानी सुबह का टाइम है तो साया लंबा भी है और साइड पे है आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अल्लाह हाफिज